ग्वालियर में जिला प्रशासन ने एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की। प्रशासन ने बसंत विहार के रिहायशी इलाके में बने अस्पताल में अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की। जिस वक्त इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया उस समय अस्पताल के अंदर मरीज भी भर्ती थे। इस कार्रवाई के दौरान अस्पताल कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। दुर्ग में चार आरोपियों ने युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जबकि दो आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़िता पेशे से डांसर है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता के साथ मारपीट की और इसके बाद 50,000 रुपये लूटकर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, दो की तलाश जारी है। उसके छीन लिए और मोबाइल फोन उसका ले लिया और उसके बाद उसको खेत में ले जाकर उसके साथ में उसने गलत काम किया और जो लड़के दो और बैठे हुए थे बारी बारी से वो जाके उसके साथ में किया, ऐसा लड़की ने अपने स्टेटमेंट बताया। दोनों तीन लोगों ने उसके साथ में गलत किया है। सोनू को इसलिए मुलजिम बनाया गया कि सोनू उसको यहाँ पर लाया था इवेंट के लिए और जब वो लड़की सोनू ने ही भेजा था तो उसने लड़की ने बताया कौन रस्सी के तहत उसने भेजा था लड़कों को और उसके बाद उनके साथ में गलत हुआ है। और सोनू को जब वो फ़ोन लगातार लगा भी रही थी जब फंस गई थी तो सोनू ने किसी कॉल को रिसीव भी नहीं किया था। कितने लोग अरेस्ट हुए अभी? अभी इसमें दो लोग को पुलिस ने अरेस्ट किया है और सोनू और कबीर अभी फरार हैं।